गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेट मी रेज दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो वर्ड से पता चल रहा है, इट मीन्स एलिमेंट्स केमिकल्स विल डिस्प्लेस टू ईच अदर, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट. तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल सब्सटेंसेस chemical substances displace each other. Alright? In which the chemical substances displace each other, the chemical reaction is known as displacement reaction. Listen, ऐसी chemical reaction जिसके अंदर chemicals जो हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, displace कर देते हैं. The chemical reaction in which chemicals displace to each other, the chemical reaction is known as displacement reaction. If we talk about an example, just like we have taken ferrous sulfate, right? Ferrous sulfate अपन ने ले लिया है. अभी ferrous sulfate की reaction करवाते हैं अपन copper से. किससे करवाते हैं अपन? Copper से. Copper जो एक अलग element है. And this is more reactive as comparable to the iron or ferrous. जो कि iron या फिर ferrous compare जो है ज़्यादा reactive होता है. Alright. अब दोनों के बीच में जैसे ही अपन reaction करवाते हैं, यहाँ पे ferrous जो है displace हो जाता है copper की वजह से. Ferrous जो है copper की वजह से क्या हो जाता है? Displace हो जाता है. It means that place is taken by copper. इस place को कौन ले लेता है? Copper ले लेता है. और कॉपर रिएक्ट्स विद द सल्फेट एंड फॉर्म्स कॉपर सल्फेट. राइट, देयर वाज फेरस सल्फेट. व्हाट इज इट? फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट इज रिएक्टिंग विद द कॉपर. कॉपर इज डिस्प्लेसिंग द फेरस. And now it has taken the place of ferrous and converted into copper sulfate. That is very basic reaction. Okay, बहुत बार पूछ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अपन एक एग्जाम्पल देख लिया है फेरस सल्फेट और कॉपर का. कॉपर जिसके अंदर फेरस सल्फेट सल्फेट का प्लेस ले लेता है. ऑलराइट, और फेरस सल्फेट को जो है कॉपर रिमूव कर देता है. ऑलराइट, दैट सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पूछ लेना. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.